मुंगेर जिले में होमगार्ड की बहाली जारी है। अब बहाली अंतिम दौर में है। दो दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर जिले में बहाली हो रही है। आज जिले के बरियारपुर और संग्रामपुर के अभ्यर्थी बहाली में शामिल हो रहे हैं। बहाली को लेकर सेंटर के बाहर भी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि कल बहाली के लिए निर्धारित अंतिम दिन असरगंज और तारापुर के अभ्यर्थी फिजिकल में शामिल होंगे। बता दें कि बिहार में 2009 और 2011 में ही बहाली निकाली गई थी, लेकिन करीब 11 सालों बाद जिले में 25 मई से होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। 7 जून तक बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। वहीं इतने लंबे अंतराल के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि यही स्थिति रही तो योग्य उम्मीदवारों को चुनने और सीट भरने में काफी परेशानी हो सकती है, ऐसे में पद रिक्त भी रह जाएंगे। हालांकि इसे नए उम्मीदवार जो कि 2009 और 2011 में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए नौकरी का नया द्वार खुल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक अगर पद रिक्त रहता है तो जल्द ही फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे नए उम्मीदवार भी बहाली में भाग ले पाएंगे। बता दें कि 11 साल के इंतजार के बाद जिले में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका नजारा बहाली सेंटर पर भी देखने को मिल रहा है। जिले में प्रखंडवार बहाली हो रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा बुधवार से न्यू पुलिस लाइन मैदान में शुरू हुआ। आवेदक सुबह 5 बजे से ही रजिस्ट्रेशन कराने पहुँच जाते हैं। परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद रहते हैं। इस दौरान जो अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, वहीं असफल लोग मायूस होकर सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि जिले में प्रखंडवार होमगार्ड के लिए शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा की तिथि 25 मई से 7 जून निर्धारित की गई है। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा पुलिस केंद्र मुंगेर के मैदान में संचालित हो रही है। किसी प्रखंड की शारीरिक दक्षता जांच निर्धारित तिथि को नहीं होने की दिशा में तय की गई आरक्षित दिन 8 जून से 12 जून के बीच संपन्न कराया जाएगा। कदाचार मुक्त एवं पारदर्शी परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद को ही आवेदक प्रवेश पत्र माना जाएगा। जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर चार्ट से अभ्यर्थी अपना क्रमांक नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2009 की शारीरिक दक्षता जांच 25 मई से 30 मई तक होगी। हालांकि बीच में रविवार पड़ने पर बहाली उस दिन नहीं होगी। वही विज्ञापन संख्या 2/2011 की शारीरिक दक्षता जांच 21 मई से 7 जून तक निर्धारित है। जांच परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कई स्तर पर निगरानी की जा रही है। सबसे पहले पूर्वाहन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक परीक्षार्थी का निबंधन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद उन्हें शारीरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि जिले में 2009 और 2011 में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि बहाली की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से टलती रही। इस बीच कई अभ्यर्थियों की दूसरी जगह नौकरी लग गई या कई ने प्रैक्टिस छोड़ दी। हालांकि पिछले कुछ सालों से अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद कुछ महीने पहले दोनों ही सालों की एक साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वही कई जिलों में अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान सेना के जवान अपनी निगरानी में जवानों को ट्रेंड करेंगे। मुंगेर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।